तो आज हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि इसमें है क्या। अगर आप ये बहुत अच्छे से समझेंगे, मतलब आपका अभी 7th स्टैंडर्ड है, तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको 9th 10th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए 9th 10th में कई बच्चे होते हैं जिनको लाइन एंड एंगल में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि अभी वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जो है अपनी प्रीवियस क्लासेस में नहीं समझते हैं, ठीक है, किसी न किसी कारणवश वो नहीं समझ पाते। तो अब देखिए, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ में कॉपी पेन ले लीजिएगा, साथ में राइट करते रहिए और इस कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहला पॉइंट लाइन एंड एंगल का आता है पॉइंट। तो पॉइंट का तो आपको पता ही होगा, पॉइंट क्या होता है, लाइक दिस हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट होता है और इस पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दैट इज लाइन। क्या आता है हमारा, तो लाइन क्या होती है, तो लिखिए, अब लाइन के बारे में हम लिख लेते हैं। अ लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट्स, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब एंड पॉइंट ना होने का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखिए ये हमने लाइन लगाई, ठीक है, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइक ये कहीं तक भी जा सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको आप यहां से भी जहां जितनी मर्जी दूर तक आप लेके जा सकते हैं और यहां से भी आप जितनी मर्जी दूर तक इसको लेके जा सकते हैं, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। अ लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट्स। इसके बाद आती है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो बहुत अच्छे से मीनिंग समझिएगा कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। तो अ लाइन सेगमेंट विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करवाया था, विच हैज नो एंड पॉइंट्स, जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है लेकिन इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट में जो है वो दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइक अब मैंने यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, लाइक हम बोल सकते हैं, अगर हम बोले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन है तो 5 सेंटीमीटर तक ही है, उसके आगे पीछे नहीं है, लेकिन ये जो लाइन है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जितनी मर्जी यहाँ से हम राइट से जितनी मर्जी आगे लेके जा सकते हैं, लेफ्ट से हम जितनी मर्जी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है, मतलब इसको हम आगे नहीं ले जा सकते, ये जितना पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं लगा हुआ है तो यही इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये होती है, ये है हमारी लाइन सेगमेंट। क्या है ये, हमारी लाइन सेगमेंट, ठीक है, और ये होती है लाइन, ये क्या है, लाइन, यही डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है रे। क्या आती है, रे। जो रे होती है, अ रे इज अ, रे भी एक तरह की लाइन ही होती है। अ रे इज अ लाइन विच हैज, इसका वन एंड पॉइंट होता है, विच हैज वन एंड पॉइंट, विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एंडलेस फ्रॉम एंड एंडलेस फ्रॉम अनदर साइड। अनदर साइड से ये एंडलेस होती है, मतलब अनदर साइड से आप इसको जितना मर्जी बढ़ा के आप आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन एक साइड से इसका एंड पॉइंट होता है, एक साइड उतनी ही रहती है और दूसरी साइड से आप इसको जितना मर्जी बढ़ा के, मतलब यहाँ से आप बढ़ा लीजिए लेकिन यहाँ से एंड पॉइंट इतना ही है, इससे आगे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो ये होती है हमारी रे। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो देखिए, आपको 9th 10th में बच्चों को लाइन एंड एंगल्स में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मैं 10th क्लासेस को भी मैथ्स करवाती हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को किस तरह की दिक्कत आती है। तो एंगल्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये थी हमारी लाइन की का से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट। अब हम एंगल से रिलेटेड करते हैं कि एंगल क्या होते हैं। चलिए एंगल्स, ठीक है, एंगल्स क्या है, द कॉर्नर्स मेड बाय द
इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस और लाइंस ही नहीं वो लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, ठीक है, आर कॉल्ड एंगल्स। ठीक है, एंगल्स का क्या होता है, द कॉर्नर्स मेड बाय द इंटरसेक्शन। अब आप बोलेंगे कॉर्नर मेड बाय द इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये देखिए अब मैं एक इस तरीके से एक एंगल क्रिएट करती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये एक लाइन का, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं एक एंगल बना दे रही हूँ, ये देखिए तो ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। तो अब देखिए पहले इसको मैं एक नेमिंग दे देती हूँ, ए बी सी दे देती हूँ मैं नेमिंग, ठीक है। तो अब क्या लिखा उन्होंने, द कॉर्नर्स मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। अब देखिए इंटरसेक्शन ही हो रही है ना, एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ से जा रही है, तो क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होगी? अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होगी? यहाँ पे ये देखिए इस लाइन को भी बढ़ा दिया, इस लाइन को भी बढ़ा दिया, तो इंटरसेक्शन हो जाएगी। तो द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर ही तो हुआ इसके इंटरसेक्शन का, द कॉर्नर मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के इंटरसेक्शन में और लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन में आर कॉल्ड एंगल्स। इसको एंगल्स, ये तो बेसिकली मेन सा है तो इसका आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब हम देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, एंगल्स के बारे में हम समझते हैं। बच्चे क्या करते हैं, देखिए मेनली अगर आपको स्कूल में बोल दिया जाता है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, लाइक आप प्रोटेक्टर से, नहीं तो आपको कंपास से बनाना आता होगा एंगल किस तरीके से बनाते हैं, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, किससे कैसे बनता है, वो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन बच्चे वो एंगल्स तो बना लेते हैं, लेकिन जब उसकी नेमिंग करनी होती है, नेमिंग नहीं करते हैं, सीधे एंगल बना के बोलेंगे जी हो गया एंगल, लेकिन नेमिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए हम नेमिंग करते हैं कुछ एंगल्स की, देखिए ये यहाँ पे अब मैं मान लीजिए ये है हमारे, मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट दिया है एक यहाँ पे बीच में, ठीक है, तो इसमें मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका इन पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दे रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको नेमिंग कर दे रही हूँ, ये वाई है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है और ये एक्स है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब अगर मैंने नेमिंग देनी है, मैंने एंगल्स की नेमिंग देनी है, तो मैं किस तरीके से इसमें एंगल्स की नेमिंग दे दूंगी, ये देखिए इसको आप मान लीजिए एंगल वन, ठीक है, इसको मान लीजिए एंगल टू, इसको मान लीजिए एंगल थ्री और इसको मान लीजिए एंगल फोर, ठीक है। अब इसका तो हमें पता है कि इसमें हम सीधा लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, लेकिन यहाँ पे इस ऊपर वाले में हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे एंगल ए बी सी, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी। लेकिन अगर बात आती है यहाँ की, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए अगर मैंने एंगल वन को कोई नेमिंग देनी है तो मैं क्या नेमिंग, आप मान लीजिए इंटरसेक्शन को पॉइंट को मैं ए ओ नाम दे देती हूँ ओ, ठीक है, तो क्या आएगी एंगल वाई ओ डब्ल्यू नहीं आएगा, क्या आएगा एंगल वाई ओ। तो मैं इस तरीके से लिखूंगी एंगल वन जो है वो किसके इक्वल है, एंगल वन इज इक्वल टू वाई ओ डब्ल्यू, एंगल वाई ओ डब्ल्यू, और एंगल टू जो है वो किसके इक्वल है डब्ल्यू ओ जेड, एंगल डब्ल्यू ओ जेड, एंगल थ्री किसके इक्वल है एंगल जेड ओ एक्स, एंगल जेड ओ एक्स, और एंगल फोर किसके इक्वल है एंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ठीक है। तो इसी तरह से हम एंगल्स की नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है रिलेटेड एंगल्स करते हैं। तो एंगल से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब फर्स्ट हमारा एंगल आता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आप अपने चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि ये एंगल्स होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जहाँ पे सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दो एंगल, जैसे ही मैं बना लेती हूँ, ये देखिए ये मैंने बनाया एक एंगल ऐसे करके, तो ये है हमारा, अब मान लीजिए ये मेरा 40 डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे, ठीक है, ये 40 डिग्री का एंगल, और इसी तरह से एक और मैं बना लेती हूँ,
ये मैं विदाउट मेजरमेंट बना रही हूँ, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ले रही हूँ एग्जाम्पल से। अब मान लीजिए ये 50 डिग्री है और ये 40 डिग्री का है, ठीक है। तो क्या हम अब इसको आप नेमिंग कर दीजिए पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अब क्या बोला मैंने, सम ऑफ टू एंगल्स। अब दो एंगल्स यहाँ पे हैं, दो एंगल्स का सम कितना है 50 इसका 40 इसका। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर है ना, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है। पी क्यू आर कितने का है 40 डिग्री का, प्लस ए बी सी कितने का 50 डिग्री का, तो आ गया ना 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि सम ऑफ टू एंगल्स जो है वो 90 डिग्री आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यू कैन से दैट टू एंगल्स विच मेक अप अ राइट एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल्स जो मिलके राइट एंगल बना रहे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ठीक है। दो एंगल जो मिलके राइट एंगल कितने डिग्री का होता है आपको पता है, 90 डिग्री का। तो दो एंगल जो मिलके राइट एंगल बना रहे हैं उन्हें ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जहाँ पे 90 डिग्री हमारा आ गया ना, तो दो एंगल मिलके जो 90 डिग्री बना रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सम ऑफ, जैसे ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना? जब 180 डिग्री हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब कैसे हो सकता है 180 डिग्री? अब देखिए, 180 डिग्री का एंगल जो है उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पे मैं एक एंगल बना ले रही हूँ, ये देखिए ये है और एक लाइन मैंने यहाँ पे ये खींच ली, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका सम अगर हम कर लें तो क्या आएगा, देखिए इसको आप नेमिंग देना चाहे तो दे भी सकते हैं। देखिए इसको मैं दे देती हूँ ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो एंगल अगर मैं ए बी डी की बात करूँ, ए बी डी हुआ ना, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ऐसे ही हुआ ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू, देखिए एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, सी बी डी, देखिए ए बी डी प्लस एंगल। अब ए बी डी कितने, किसके इक्वल है ए बी डी, किसके इक्वल है ए बी डी, 120 के इक्वल है ना। ए बी डी किसके इक्वल है, 120 के, प्लस सी बी डी, सी बी डी किसके इक्वल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये है 60 डिग्री के, ये किसके 60 डिग्री के, तो ये टोटल कितना आ गया 180 डिग्री। तो मैंने अभी आपको ये बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम जो है 180 हो उनको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। यहाँ पे जो सम है वो 180 डिग्री आ गया, तो यानी कि ये भी जो एंगल है वो भी सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब थर्ड जो है वो है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? इट इज द पेयर ऑफ टू एंगल्स, पेयर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का ये पेयर है विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के आगे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, कैसे पता लगेगा कि एडजेसेंट एंगल्स हैं इसके बारे में बता रही हूँ। एडजेसेंट एंगल है, फर्स्ट इसका पॉइंट आप ए पॉइंट पार्ट इसका लिख सकते हैं, अ कॉमन वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स कॉमन रहता है पहले तो, ठीक है।
और बी इसका क्या पार्ट है, अ कॉमन आर्म, और आर्म भी जो है इसकी वो कॉमन रहती है, कॉमन आर्म, ठीक है। अब बोलेंगे कि मतलब क्या है इसका, चलिए हम इसको करते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि हमारे पास ये एक एंगल है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कॉमन आर्म एक जो है इसकी जा रही है बीचों बीच से एकदम, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए, एक एंगल हमारा ये बना, एक एंगल हमारा ये बना, बना ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट, इसको क्या बोलते हैं हम एडजेसेंट। तो अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है इसमें फुलफिल हो रही हैं। अ कॉमन वर्टेक्स, अब देखिए वर्टेक्स तो कॉमन ही है, वर्टेक्स कॉमन है ना, आप खुद देखिए, ये देखिए वर्टेक्स कॉमन है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये होता है कॉर्नर जो होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है। इसके बाद क्या है, कॉमन आर्म, आर्म कौन सी, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, देखो ये जो एंगल है, अब इसको मान लीजिए एंगल पी बोल दीजिए और इसको एंगल क्यू बोल दीजिए, एंगल पी और एंगल क्यू की क्या आर्म जो है वो कॉमन नहीं है, कॉमन ही है ना, क्योंकि अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, एंगल पी ले रहे हैं, तब भी जो है एंगल पी ले रहे हैं या एंगल क्यू ले रहे हैं, तो दोनों में आर्म तो एक कॉमन ही आ रही है, ठीक है, एंगल पी या एंगल क्यू में आर्म एक कॉमन आ रही है, और वर्टेक्स भी कॉमन है, ठीक है। तो इस यही होते हैं एडजेसेंट एंगल। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इज फोर्थ हमारा लीनियर पेयर। देखिए अभी भी अगर आपको कोई डाउट है मन में कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको और भी, वैसे तो मैंने इजी वे से ही आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो मैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स लेके आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। अब लीनियर पेयर देखिए क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, जो अभी हमने ऊपर किया है, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म मेक्स अ सिंगल लाइन, मेक्स अ सिंगल लाइन, दैट इज दे आर द ऑपोजिट रेज, दे आर द ऑपोजिट रेज अ लीनियर पेयर इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एज दे हैव सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब लीनियर पेयर क्या होते हैं, लीनियर पेयर एक तरह के हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्योंकि मैंने आपको बताया कि सम ऑफ टू एंगल्स जो है वो 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल इसको बोला गया है, दैट मीन्स कि ये 180 डिग्री का होगा। लीनियर पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ साथ में एंगल्स बने रहते हैं, ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, बना के दिखाती हूँ, ये है हमारी एक, मैंने लाइन सेगमेंट खींच ली है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से बीचों बीच से एक बीच में मैं एक पॉइंट बना देती हूँ। अब आपको पता होगा कि ये जो होता है ये कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल यानी सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक और लाइन खींची है, अब मान लीजिए ये जो है ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये जो है ये वाला ये है 120 डिग्री का, ये कितने का है, 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये प्लस ये जो है वो लीनियर पेयर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं, ये जो अबव पेयर हैं एंगल्स के एडजेसेंट जो हैं एज दे हैव वन कॉमन आर्म, जो एडजेसेंट होते हैं उनकी सिर्फ एक ही कॉमन आर्म होती है, आपने देखा ना अभी ऊपर एडजेसेंट वाला करवाया था,
यहाँ पे इसकी तो एक ही कॉमन आर्म है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का होता है सप्लीमेंट्री। द लीनियर पेयर एज द सम इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर जो होता है सम 180 डिग्री होता है, लेकिन लीनियर पेयर में डिफरेंस क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म आर ऑपोजिट रेज। नॉन कॉमन आर्म हमारी कौन सी है, ये वाली है। नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ये वाली। ये जो है नॉन कॉमन आर्म, ये अपोजिट रेज जा रही है, यानी कि एक इधर को जा रही है तो एक उधर को जा रही है, तो ठीक है। ये हमारी नॉन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म तो इसकी ये है ना, ये नॉन कॉमन आर्म है और ये अपोजिट रेज में जा रही है। अभी हमने ऊपर भी एडजस्ट एंगल किया था, क्या इसमें अपोजिट रेज जो है एक दूसरे से अपोजिट जा रही थी, नहीं जा रही थी ना, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से अपोजिट जा रही हैं, एक यहाँ को एक यहाँ को। तो ये होता है हमारा लीनियर पेयर। और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, आपको पता 120 प्लस 60 जो है 180 होता है, तो यही जो है हमारा लीनियर पेयर होता है, ये हमारा लीनियर पेयर होता है। अब देखिए इससे अभी तो आपको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अभी तो फिलहाल हम एग्जांपल कर रहे हैं, तो फिलहाल आप समझिए कि मतलब क्या है, क्योंकि बच्चों को नहीं बहुत पता होता है लीनियर पेयर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, इंटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल, बहुत सारे एंगल्स होते हैं तो उनको नहीं नॉलेज है। तो सिर्फ आप अभी बेसिक को क्लियर कीजिए, उसके बाद जब हम जब मैं एक्सरसाइज भी करवाऊँगी आपको, तो उसमें मैं दोबारा से आपको इन चीज़ों को क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। अब देखिए हमारा फिफ्थ जो है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो अब हमारा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं ये देखिए। अब मैं आपको ये एक मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे एंगल जैसा, देखिए मैंने बना लिया। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको मैं दे देती हूँ पी क्यू और इसको मैं दे देती हूँ आर एस, ठीक है। तो एक हमारा एंगल जो है ये है और एक एंगल हमारा ये है और अब एक एंगल हमारा ये है और एक एंगल हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे फोर एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस एंगल को मान लीजिए मैं बी का नाम दे देती हूँ और इसको दे देती हूँ सॉरी इसको मैं दे देती हूँ बी का नाम, इसको ए का, इसको एम का और इसको एन का, ठीक है। बस दो जो है रेड के बनाए हैं मैंने, दो ब्लैक के बनाए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हल्का सा हम फिल भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते क्या हैं, ठीक है। ये देखिए तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू लाइंस है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे फॉर्म फोर एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो दो चार एंगल्स फॉर्म होते हैं, जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल फॉर्म्स होते हैं। सो दैट तो हम इसमें बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, इसका मतलब क्या है देखिए, अगर ये वाला एंगल मान लीजिए आपका 40 डिग्री का है तो ये भी 40 का होगा, अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। तो अगर आप में लिखना है इसके बारे में कि ये क्या है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लेते हैं। लीजिए व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे फॉर्म फोर एंगल्स, चार एंगल्स को फॉर्म करती हैं। सो दैट हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और कितने डिग्री का है 40 डिग्री का, और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल
एन कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम साथ में ये भी लिख देते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। अब हम पेयर ऑफ लाइन की बात करेंगे कि पेयर ऑफ लाइन्स क्या होता है। पेयर ऑफ लाइन में सबसे पहला आता है हमारी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती हैं? इफ टू लाइन्स टच ईच अदर, ठीक है, हम लिख भी सकते हैं इफ। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इंटरसेक्टिंग जैसे क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उन्हीं लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशंस भी एक लिख लेते हैं। इफ टू लाइन्स टच ईच अदर, इफ टू लाइन टच ईच अदर इन सच अ वे दैट देयर इज अ पॉइंट इन कॉमन, देन दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, इन लाइन्स को इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही बोला जाता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ, जैसे कि ये हमने लाइन लगाई तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये है, तो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यही हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। तो इसमें कोई इतना खास था नहीं, पर बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज़ सेकेंड वन इज़ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इसको हम बोलते हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स then that line is called transversal, ठीक है, तब इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। अब देखिए कैसे इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, देखिए जैसे कि आप मान लीजिए एक लाइन आपकी ये है, यहाँ से जा रही है, और एक लाइन आपकी यहाँ से ये जा रही है, ठीक है। तो इस लाइन को आप x बोल लीजिए और इस लाइन को आप y बोल लीजिए, ठीक है। तो एक ट्रांसवर्सल जो है यहाँ से इस तरीके से ये गई, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल गई, इसको ही इस लाइन को जो ये दो लाइंस को कट करती हुई निकल रही है, इसी को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको भी हम नेमिंग दे देते हैं, दैट इज ए बी, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्यों बोला आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने एंगल्स हैं हमारे वो सारे इस फिगर के अंदर छिपे हुए हैं, जितने एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमारे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, जितने एंगल्स हैं वो सारे के सारे इसी ट्रांसवर्सल में लाइन में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो वो अब हम मेन एंगल्स की बात अब आई है, तो अब हम उन एंगल्स के बारे में पता करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, अगर एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दो या दो से ज्यादा लाइन्स को। अब जरूरी नहीं है कि दो ही लाइन, तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती, कितनी भी लाइन्स हो सकती, अभी तो फिलहाल दो लाइन्स ही इसको, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वही लिखा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको, दो लाइन्स को, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो एक को यहाँ पे किया, एक को यहाँ पे किया, दोनों को अलग अलग जगह में किया, देन दैट इज दैट लाइन इज कॉल्ड, तो इसी लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है, ठीक है, इसी लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल इस तरीके, ताकि आपको पता रहे, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये लाइंस क्या है। ये देखिए ये लाइन तो आगे जाके कहीं ना कहीं मीट हो जाएंगी, मीट होंगी ना यहाँ पे आगे जाके, लेकिन इस ट्रांसवर्सल ने इसको दो जगह पे इंटरसेक्ट किया है, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, इसी को ट्रांसवर्सल
बोला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल बनते हैं, चलिए अब हम वो पढ़ते हैं। जैसे कि अब इस एंगल को ले लीजिए, ये वाला एंगल, इसको ले लीजिए 1 नंबर, इसको ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए 3, इसको ले लीजिए आप 3, और इसको ले लीजिए आप 4, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको ले लीजिए आप 5, इसको ले लीजिए आप 6, इसको ले लीजिए आप 7, और इसको ले लीजिए आप 8, ठीक है। नेमिंग कर दी हमने 1, 2, तो अब हम समझेंगे कि एंगल्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे पता लगते हैं हमारे को, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो इसको कॉपी में भी बड़े आराम से करिए और बड़े आराम से समझिए इसको। सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, कौन कौन से एंगल जो हैं वो इस ट्रांसवर्सल ने बनाए, देखिए। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए एंगल्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे साथ में लाइन लगा के यहाँ पे लिख लीजिए आप कि एंगल्स शोन इन फिगर, एंगल्स शोन इन फिगर, फिगर में कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। इसमें इंटीरियर एंगल, अब देखिए इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं जैसे कि ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के अंदर जो ये एंगल 3 और एंगल 5 बन रहा है, इस ट्रांसवर्सल के अंदर एंगल 3 और एंगल 5 ये वाले जो दोनों एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि इन दोनों का टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इन दोनों का टोटल जो है वो 180, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 और यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों के दोनों जो है, देखो ट्रांसवर्सल दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो अंदर वाले ये दोनों एंगल्स जो हैं, चार एंगल्स जो हैं हमारे, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम, यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री के होता है, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री के होता है। अब देखिए इसका भी एक लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है अभी 7, तो इसका लॉजिक मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी, जब आप अगली क्लासेस में जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा उससे, बस आप अभी आप इतना ही ध्यान में रखिए कि इन दोनों लाइंस के जो अंदर एंगल बन रहे हैं वो जो हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इन दोनों लाइंस के बाहर जो एंगल बन रहे हैं यानी कि ये और ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सटीरियर एंगल भी लिख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। अब बाहर कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 7 और 8 यही बन रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। अब देखिए अब बात आती है थर्ड की, कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं हमारे यहाँ पे, अब देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे, मैंने अभी आपको क्या बताया, इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो उन दोनों का प्लस करके 180 आता है, वो इक्वल नहीं होते हैं, आप इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, 1 जो है वो 5 के इक्वल होगा,
टू जो है वो सिक्स के इक्वल होगा, थ्री जो है वो सेवन के इक्वल होगा, फोर जो है वो एट के इक्वल होगा। अब ये क्यों होगा, अब ये क्यों होगा, अब देखिए अगर हम इतनी इसकी इसको हम उठा करके अगर इसको हम इसके ऊपर रख दें, इसको हम उठा करके इसके ऊपर रख दें, तो क्या वन टू ऊपर और थ्री फोर नीचे नहीं आएगा? इसीलिए एंगल वन एंगल फाइव के इक्वल होता है, एंगल टू एंगल सिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन से यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल वन एंड एंगल फाइव, या आप इक्वल भी लिख सकते हैं एज योर विश, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स, ठीक है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन एंड एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट, ठीक है। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद बात आती है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हमारे? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इस लाइन में Z बन रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, फाइंडिंग माई रेड पेन, ओके ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, अब मैं जो रेड पेन से कर रही हूँ उसको देखिएगा, ये देखिए ये Z बन रहा है, बन रहा है Z, समझ में आया? ये Z जो बन रहा है इस Z के अंदर जो ये वाला एंगल बनता है, ये वाला इस Z के अंदर, ये देखिए ये Z है इसके अंदर बना ना इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स, समझ में आया आपको? एंगल थ्री, अब Z बन रहा है, Z के अंदर जो एंगल बन रहे हैं दोनों वो जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और जो Z के बाहर बन रहे हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। Z के अंदर वाले इंटीरियर, बाहर वाले एक्सटीरियर। अब यहाँ पे देखिए ये Z बन रहा है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे कौन से हैं? एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स, ठीक है। उसी तरह से क्या यही Z बन रहा है? देखो यहाँ पे Z नहीं बन रहा, ये तो मैंने एक बताया आपको, ये देखिए एक यहाँ पे भी हमारा Z बन रहा है, ये देखिए ये देखिए उल्टा Z ये बन रहा, एक ब्लू पेन से और एक मैंने रेड पेन से बनाया आपके लिए, ये देखिए ये। अब इसके भी एक ये वाला और एक ये वाला अंदर का, यानी कि एंगल फोर और एंगल फाइव ये दोनों जो है इक्वल है, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव, समझ में आया? Z के अंदर जो बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एक्सटीरियर एंगल देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि Z के अंदर वाले, यानी कि एंगल थ्री एंगल सिक्स था, और इसी Z के बाहर वाले देखिए एंगल वन और एंगल एट नहीं है इसके बाहर, इस Z के बाहर इस लाइन के ऊपर जो है एंगल वन है और यहाँ पे क्या है एंगल एट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एट, और इसी तरह से एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सेवन, ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस वाले से बात करें तो एंगल टू और इधर से एंगल सेवन। Z के बाहर वाले जो हैं वो एक्सटीरियर और Z के अंदर वाले जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी इंटीरियर एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात, ठीक है। इसके बाद जो है अब मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 जो है वो करवाऊंगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चिल्ड्रंस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसके साथ ही मेरा लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, और आप देखिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने पहले से लिख कर रखा है, जो मैंने आपको समझाया है वही मैंने लिखा है। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? द टू इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल ऑलवेज, तो आपको मैंने समझा दिया, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैंने लिखा भी एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव जो मैंने आपको समझाया, तो आप इसको पर्ज करके आप इसको उतार भी सकते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने जो है सारे के सारे
इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे एंगल्स आपको बता दिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी भी आपको अगर किसी एंगल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उस एंगल से रिलेटेड सब कुछ बता दूंगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़, थैंक यू सो मच।